तूने बहुत कुछ कर लिया अपने बच्चों के लिए, ये सब कुछ सह लिया अपने बच्चों के लिए, अब तेरे बच्चों की बारी है तेरे लिए कुछ करने की। हम तेरे मान को ठेस नहीं पहुंचाने देंगे। आही तेरे बच्चे हैं तेरे पास, समझ रही है ना? और हर्ष, आई सॉरी। देखो देखो मेरी बात सुनो, तुम मेरे बारे में मत सोचो, तुम अपने भविष्य के बारे में सोचो। हम कल सोच लेंगे, आज नहीं कल, कल से प्लीज। आई देख रात बहुत हो गई है, क्या करना है क्या नहीं हम कल सोच लेंगे। अभी अभी सो जाते, मैं थक गई, मैं थक गई, सच्ची सच्ची। चल आई चल, चल हर्ष चल। पर मैं उनसे, अरे कल चार बार हम बात करेंगे, तू सो जा। अभी सो। तुझको मैं खुशियों के साए दूं, ख्वाबों को सजाए तू, आंखों में बसाए तू, तुझको मैं दूं सब जो चाहे तू, सारी रातें गाना तो आई मेरे लिए गाया करती थी। जब भी मैं परेशान होता था, जब भी मैं तकलीफ में होता था, अगर आई की जगह मैं बाबा से बात करने जाऊं तो क्या पता मेरी बात मान जाए। आप लोग 24/7 बैंकिंग सर्विस की गारंटी देकर अपने कस्टमर को वेट कैसे करा सकते हो? अरे मैंने कहा मेरे पास अथॉरिटी है एफडी तोड़वाने की, जयेश चिटनेस के नाम पे है ना एफडी। हाँ तो मैं वाइफ नहीं हूं तो क्या हुआ, शादी होने वाली है हमारी, आप सुन क्यों नहीं रहे? मैं, अच्छा ठीक है मत सुनो, जयेश को पता चलेगा ना तो बहुत गुस्सा हो जाएगा, अकाउंट ही बंद करवा देगा आपकी बैंक में। बाबा अमू, घड़ी नहीं है तुम्हारे पास? I'm sorry. आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, मैं बस बाबा से मिलने। 5 बजे? आपको शायद पता ना हो बाबा जल्दी उठ जाते। Excuse me. जब वापस आना ही था तो ये ताव में गई क्यों थी? इसका जवाब देना मैं आपको जरूरी नहीं समझती, मुझे बस अपने बाबा से बात करनी है। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं अमृता, तुम्हें पसंद हो या ना हो, सच्चाई तो ये है कि तुम्हारे बाबा की शादी मुझसे होगी। हुई तो नहीं है ना, मैं अपने बाबा की बेटी हूँ,
अमृता जयेश चिटनिस, जिसे आप अपने बाबा से मिलने से रोक नहीं सकती। इशिका कौन है? क्या हुआ इशिका? ये क्या किया अमृता? मैं तो प्यार से बात कर रही थी ना तुमसे। इशिका क्या हुआ, चोट लगी? कुछ नहीं, वो अब वो नाराज है ना मुझसे, इसलिए अपना गुस्सा मुझ पे ऐसे उतार रही है, मेरे पैर पे दरवाजा मार के। वो ये झूठ बोल रही है? बाबा मैं कब से इनकी बकवास बर्दाश्त कर रही हूँ, मेरी जगह कोई और होता ना शायद सच्ची में थक। चुप, बात करने की तमीज ही भूल गई। यहाँ क्या करने आई थी इतनी सुबह, क्या काम है? मुझे धमकी देने और क्यों? बाबा मैं बहुत दर्द हो रहा है जयेश, बहुत दर्द हो रहा है। कम 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 सब ठीक हो जाएगा, डर लगे हैं। प्लीज प्लीज मैं देखता हूँ कुछ। बाबा मैं बस आपसे बात करना चाहती थी, ये मुझे अंदर नहीं आने दे रही थी, दरवाजे पे रोक रखा था मुझे। और तूने इसीलिए पैर पर दरवाजा मार दिया है ना? कहां से सीखा ये सब गुंडागर्दी? अपनी आई से? पापा मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी आपको इसकी बात पर भरोसा है जो मुझे अपने ही घर में आने से रोक रही है? मैं क्यों रोकूंगी तुम्हें, ये तो आपको मुझसे बेहतर पता होगा। आपने नहीं कहा मुझसे कि अगर मैं यहाँ से गई थी तो वापस क्यों आई हूँ? हाँ हाँ मैंने कहा था जय, लेकिन इस टोन में नहीं कहा था। मैंने तो प्यार से पूछा कि तुम अपने बाबा को हर्ट करने के लिए अपनी आई के साथ गई क्या? इसका ऐसे करने से मैं देख सकती हूँ ना तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही। मैं बस तुम्हारी परवाह करती हूँ जय। ये कोई परवाह नहीं करती आपकी बाबा। अगर परवाह करती तो मेरे बारे में आपसे मेरे सामने तो झूठ नहीं बोलती ना। मेरी आई से उनका घर छीन लिया, मुझसे मेरे बाबा को छीनना चाहती है, और कितना बुरा करके शांति मिलेगी तुम्हारे मन को? चुप कर, तमीज नहीं बात करने की है? ये तरीका है बात करने का इशिका से? इशिका से इस ढंग से बात नहीं करना, समझे ना? माफी मांग। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे उनसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। तो इस घर में आने की भी जरूरत नहीं तुम्हें। अगर नहीं माफी मांग सकती तो घर में आने की जरूरत नहीं है। इशिका की इज्जत मेरी इज्जत है, और अगर कोई उसकी बेइज्जती करेगा ना तो इस घर में आने का अधिकार नहीं है उसको। समझ में आई बात बेटा? दोबारा समझाओ, अगली बार तभी आना जब इशिका से माफी मांग सको, समझी? अभी जाए चलो। जो बाबा बिना कहे जान जाते थे कि मुझे क्या कहना, आज मेरे चीख चीख के सच बोलने पे भी आप सुन नहीं, मेरा यकीन ही नहीं कर रहे। हमारी टीम टूट गई बाबा, हमेशा के लिए। व्हाट अ पार्टी आ गाइस, मजा आ गया। रात से सुबह हो गई पता भी नहीं चला। हाँ यार, ये मुंबई वाले ना पार्टी बहुत हैपनिंग करते हैं, नहीं? हाँ देखते हैं इनकी सुबह कितनी हैपनिंग। हाय दोस्तों, सुबह के 6:30 बजे हैं और मैं हूँ आपका दोस्त आरजे मुकेश। यही खासियत है मुंबई की, यहाँ रात कितनी भी काली हो मगर सुबह का उजाला सब कुछ रोशन कर देता है। मुंबई कर्स को नए जज्बे से भर देता है, रोज की तरह एक नई लड़ाई लड़ने की। दिस आरजे नीड्स टू काम डाउन। कौन सी लड़ाई की बात कर रहे हैं यार, मुझे तो बहुत कूल लगता है ये शहर। तू कहाँ चली इतना सुबह सुबह? कुछ नहीं आंटी, वो ऑफिस से पहले ना कुछ सामान लेना था, चलती हूँ जल्दी में। इसको क्या हो गया? हेलो हाय गुड मॉर्निंग कुछ नहीं।
यार शेखी, मुझे तो प्यार हो गया। अबे वो शैंपेन से फ्लो माइंड ब्लोइंग थी वो। पर मैंने आपको उसका पेमेंट करते हुए नहीं देखा। मैं आज जो कुछ भी हूं ना बाबा, सिर्फ आपकी वजह से हूँ। दुनिया में सबसे बेस्ट है मेरे बाबा, और मुझे मेरे बाबा की तरह ही बनना है। और ये नंबर वन घड़ी मेरे नंबर वन बाबा के, क्योंकि वो मेरे हीरो हैं। लोग कहते हैं कि वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, लेकिन मेरे बाबा का प्यार वक्त भी नहीं बदल पाया। ईशिका की इज्जत मेरी इज्जत है, और अगर कोई उसकी बेइज्जती करेगा ना, तो इस घर में आने का अधिकार नहीं उसको। अगली बार तभी आना जब ईशिका से माफी मांग सको। चलो जाओ। हेलो हेलो, कहाँ है तू ताई? अरे वो मैं वॉक के लिए निकली थी, थोड़ा मन कर रहा था मेरा, तो अकेले वॉक के लिए निकल गई। आ रही हूँ ना, 5 मिनट में आ रही हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन इस बिल का क्या करूँ जो होटल वालों ने थमा दिया है मुझे? पता भी है कितने की है? बिल कितने का है? 40,000 का। 40,000? 40,000 किस बात का? अरे बोल रहे हैं कि शैंपेन पिया है हम लोगों ने। शैंपेन? हाँ। तो रुक, कोई कंफ्यूजन होगा मैं चेक करती हूँ। हाँ जल्दी आ। 40,000? जाने से पहले ना एक बिल भर। तुम लोगों ने मेरी टेरेस को बहुत बर्बाद किया ना, उसको यूज किया सो। 40,000? मैंने कहा था ना हल्के में मत लेना आहूजा उसको। अपने हक के पैसे के लिए विराट आहूजा तुम्हारे पीछे पड़ा, और हक ना मैं अपना छोड़ूंगा नहीं, पैसे तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे। शेखी, हाँ? ये क्या कर रही है? अरे वो क्या कर रही है? छोड़, तू क्या कर रहा है? ब्रेक मार, ब्रेक! अरे मैं क्यों मारूं ब्रेक? वो बीच में आई है, मैं नहीं आया, और मेरे पास हट जाने के लिए जगह नहीं है भाई। देखना हटेगी तो वो ही। दिमाग में खराब है क्या तुम्हारा? हाँ, और अगर किसी गाड़ी के नीचे आके मरना ही है तो कि किसी और की गाड़ी के नीचे जाके मरो ना, मेरी गाड़ी क्यों खराब कर रही हो? क्यों, आपकी गाड़ी के नीचे आ गई तो बम्पर टूट जाएगा? आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है? आप तो बिल मुझे भेजेंगे, मैंने मना कर दिया, मेरी आई को भेजेंगे, यही करेंगे। हाँ हाँ यही करूंगा, क्यों ना करूं। और वैसे भी तुम्हारे पास अगर इतने पैसे हैं कि इतने बड़े होटल में जाके रह सकती हो, तो मेरी छत पे जो पार्टी की थी उसके पैसे निकालो। क्या किसकी माँ बाबा की एनिवर्सरी थी ना, इसकी बिल भरो। चलो भर दूंगी, कहा था ना भर दूंगी, कहीं भागी नहीं जा रही जो इस जिंदगी पे उतर आए आप। मुंबई कर्ज है हम, आपको पता नहीं होगा ना, हमारी जिंदगी में रोज प्रॉब्लम आते हैं। मेरी जिंदगी में चल रही है प्रॉब्लम, लड़ रही हूँ मैं, ऊपर से आप आ गए, पता नहीं कहाँ से मेरी जिंदगी में टपक रहे हैं। लेकिन लेकिन याद रखिए, मुझसे और मेरे परिवार से दूर रहिए। और आखिरी वार्निंग दे रही हूँ मैं आपको, उसके बाद बोल के नहीं समझाऊंगी। और ये जो शैंपेन आपके गले से उतरी ना, मेरे हालत में मत अटकाइए, खुद बिल भरिए उसका, वरना इस बार तो गलती की कृपा। अरे भर दिया, भर दिया, भर दिया, मैंने भर दिया। मैडम देखिए, आप रिलैक्स करो। तू पागल है भाई? तू चल, तू भी रिलैक्स कर। अरे क्या रिलैक्स कर, डरता थोड़ा हूं मैं उससे, मैं भी दिल्ली से हूं समझी। ये आप क्या कर रहे हैं पापा? किस गलती की सजा दे रहे हैं? आप बताइए क्या कहूं मैं आई से जाकर, उसकी जिंदगी में सब ठीक हो जाएगा,
इतना बड़ा झूठ कैसे बोलूं मैं उससे, कैसे सब बचाऊं, कैसे? स्ट्रेस के लिए बेस्ट है एक्सरसाइज, और मेरा ये एवोकाडो स्मूदी सारी थकान मिटा देता है। और इन्हें देखो, थकान इनवाइट करते हैं ये तलाबू ना खाकर। हेल्दी खाने से एलर्जी है इन्हें। हाँ, एलर्जी नहीं, पुरानी आदत, पुरानी दिल्ली वाली। शुक्र है कि इसकी किस्मत जो है ना, इसकी आदतों की तरह खराब नहीं है, वरना मेरे जैसी सास कहाँ मिलती जो अपना सोना बेच के इसको बिजनेस स्टार्ट करने का मौका देती और फिर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर देती। बिल्कुल करेक्ट बोला, किस्मत तो मेरी ए क्लास है, वरना आज की डेट में मैं पुरानी दिल्ली के गलियों में आलू टिक्की खा रहा होता और वो भी उधार की। Come on, Dad, कुछ तो स्टेटस का ख्याल करो। I mean, आलू टिक्की वो भी उधार की। अरे कमाल की होती थी। कुछ भी। ओए, तू क्यों हंस रहा है? तू भी कोई कम नहीं है। ओए अपनी सिस्टर की तरफ देख। आह, इसका उठना, बैठना, चलना, फिरना, देखना, मुड़ना, हंसना, एकदम क्लासिक। और इधर देखो, बेढंगा। मैं मिस्टर गोस्वामी, इंडी बैंक का मैनेजर। आपने बुलाया था, कुछ काम था? अरे गोस्वामी, काम वाम छोड़, पहले तो नाश्ता। जॉब से निकाल दो उस अमिता को। अमिता? कौन अमिता? ओए वो ही जंगली बिल्ली जो आपने हमारे बोट पर भेजी थी। बेबे, बोट नहीं, यॉट। ओ यू मीन अमृता। पर क्यों मैम? क्योंकि विराट ऐसा चाहता है। ये तो सोया हो। जागो वीर प्यारे जागो। यार ए भाई, ए उठना, मैनेजर आया बैंक का। तूने कहा था ना बैंक का मैनेजर आएगा, उठाना उस लड़की की जो आपको बचाना है। तूने उठ, उसे जाने दे यार। She's anyway, she's mean, she's very very mean. उसकी जॉब जाएगी ना तो भी अक्कल आएगी उसे। पर भाई कर, तो उठ नहीं रहा है, पता नहीं क्या होगा। ऐसा नहीं हो सकता, अमृता जयेश चिटनेस ऐसा नहीं कर सकती। जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। ओएमजी, बबीता दीदी, ये तो आप ही को गलत कह रहे हैं। नहीं नहीं मैम, मेरा कहने का मतलब था कि अमृता हमारी बैंक की सबसे अच्छी एम्प्लॉई है और कितने सारे कस्टमर्स चाहते हैं कि उनका अकाउंट अमृता ही हैंडल करे, और आज से पहले अमृता के खिलाफ कोई भी ऐसी कंप्लेन आई नहीं है। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? नहीं मैम, आप क्यों झूठ बोलेंगे? तो बात खत्म, वो जो भी है उस लड़की को जॉब से निकाल दो अभी। ओके मैडम, मैं आपका अकाउंट अभी के अभी किसी और को हैंडल करने दे देता हूँ। किसी और की बात नहीं कर रही हूँ मैं उस लड़की की बात कर रही हूँ जिसने हमारी इंसल्ट की। अगर तुम उसे जॉब से नहीं निकाल सकते तो हम हमारा सारा पैसा बैंक से निकाल देंगे, चलेगा? नो मैम। तो उस लड़की को अभी फौरन जॉब से निकाल दो, आउट। यस मैम। अच्छा है पीछा छूट गया उस बदतमीज, बददिमाग और बदजुबान लड़की अमृता वगैरह वगैरह चिट्स। ईशिका की इज्जत मेरी इज्जत है, और अगर कोई इसकी बेइज्जती करेगा ना तो इस घर में आने का अधिकार नहीं है उसको। चलो जाओ। नहीं अम्मू, इस वक्त ये सब मत सोच, तुझे ऑफिस जाना है, काम पर फोकस करना है। आई और हर्ष तेरे भरोसे हैं, ऊपर से इतने महंगे होटल का खर्चा सब देखना है तुझे। ताई, हम लोग इस होटल में कब तक रहेंगे? मैं यहाँ पढ़ाई नहीं कर पा रहा। तू चिंता मत कर, मैं ढूंढ रही हूँ रेंट पे कोई फ्लैट ले लेंगे जी। काश हम लोग घर वापस जा पाते। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारे बाबा हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। उन्होंने आई के साथ
हमारे बारे में भी नहीं सोच। मैं सोच रही हूँ ना तेरे बारे में, तू चिंता मत कर। और आई है ना हमारे साथ, वो ताकत है हमारी, जब तक वो हमारे साथ है ना हमें डरने की जरूरत नहीं। हर्षा तुझे क्या लगता है, आई सिद्धिविनायक गई है या मंदिर के बहाने से या बाबा से मिलने गई है? अरे नहीं ताई, आई मंदिर के नाम पे झूठ थोड़ी ना बोली। अच्छा ये सब छोड़ना ताई, अपने रहने का इंतजाम करना, वरना यहाँ रहकर मेरी पढ़ाई तो नुकसान हो ही रही है, साथ में तेरा अकाउंट बैलेंस का भी नुकसान हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमारे रिलेशनशिप के बारे में लोगों को बताने से कतरा रहे? अरे नहीं भाई, मैं सिर्फ अपना टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ इस बातों की याद से। अरे ऑफिस जाने में देर करा देगी, इतनी बातें करेगी, तुम भी तो जानते हो नसे। जहाँ कॉर टेरेस पे कितना बोलती है, पट 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 पट। ऐसी जय, तुमको क्या घुटन नहीं होती? मतलब ये ऐसे टाउन मार्केट लोग रहते हैं स्विंग में, और ऊपर से इतना छोटा सा घर है। पता है मैंने ना बी विंग में एक बहुत अच्छा फ्लैट देखा है, हम इस घर को बेच के वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, फिर नए घर में नई शुरुआत। Cheers for the new life. Cheers. कमाल है, लगता है सबके सब काम पे चले गए और भवानी भी शायद बाजार गई होगी। बाद में आती हूँ। नहीं सुबह सुबह जयेश ऑफिस क्यों जाएंगे, कहीं और गए होंगे, पर कहाँ? यहाँ? सर आपने मुझे इस तरह पार्किंग लॉट पे? वो अंदर सबके सामने कहना अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा क्या कहना था सर? तुम्हें जॉब से निकाल दिया है अमृता। सर जॉब से निकाल दिया मतलब? सर वो लैपटॉप मैंने नहीं तोड़ा सर, कसम से। वो मिस्टर विराट आहूजा है ना, उनकी मदर मिसेज आहूजा, उन्होंने गुस्से में तोड़ा, जबकि मेरी सिर्फ एक ही गलती थी कि। और मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी मैं आहूजा के घर से अपनी इंसल्ट करवा के आया सिर्फ तुम्हारी वजह से। हमारे सबसे बड़े क्लाइंट की तुमने पब्लिकली बेइज्जती की अमृता। सर मैंने जो कुछ भी किया ना अनजाने में किया, लेकिन मिसेज आहूजा ने जानबूझकर मुझे इंसल्ट करने के लिए वो सब, सर जबकि मैं माफी भी मांग रही थी उनसे बार बार। और आपको अंदाजा नहीं है उन्होंने किस तरीके से मुझसे बात की है सर, उनके बिना माफी मांगे मैं उन्हें माफ कर चुकी, और मैंने तो बार बार उनसे माफी मांगी सर, फिर भी उन्होंने मुझे माफ नहीं किया, उन्हें माफ करना चाहिए था मुझे। लेकिन सर मैं वो सब भूल चुकी हूँ, लेकिन सर फिर भी आई एम टेलिंग यू, आई प्रॉमिस मैं उनका अकाउंट बिल्कुल अच्छे से हैंडल करूंगी सर, आई प्रॉमिस। ये जॉब मेरे हाथ से नहीं जानी चाहिए। आप जानते हैं मैं अपने काम को लेकर कितनी सीरियस हूँ, कितनी ऑनेस्ट हूँ, प्लीज सर प्लीज ये नौकरी प्लीज सर। देखो अमृता, एमडी ने खुद मुझे कॉल किया और क्लियरली कहा है कि आहूजा इज अ रॉयल्टी। बबीता आहूजा ने हमारे बैंक के साथ पिछले 2 हफ्तों में 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, इसीलिए अपनी खातिर नहीं मेरी और बाकी सबकी नौकरी की खातिर उनसे माफी मांगा। जरूरत पड़े तो उनके पैर पकड़ो, जो भी करना पड़े करो, पर प्लीज उन्हें मनाओ। यू नो ना विराट आहूजा इज इन द लिस्ट ऑफ टॉप 40 इन्फ्लुएंशियल इंडियंस, तो उनसे बात करो कि तुम्हें तुम्हारी जॉब वापस दे दे। अगर वो मान गया तो मुझे क्या, बोर्ड को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 दिन में ये दूसरी बार होगा जब मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, और शायद इस बार तकलीफ कम होगी, क्योंकि इस बार मुझे चोट पहुंचाने वाला मेरा कोई अपना नहीं, बाहर वाला विराट सिंह आहूजा।